देखिए, बहुत सारी विसंगतियां हमारी सरकार ने नियोजन नीति बनाने समय दूर करने की कोशिश की थी, उस पर बहुत मेहनत हुआ था, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि रद्द हो गई है। लेकिन मैं सरकार से मांग करती हूँ, क्योंकि युवाओं का सवाल है और नियुक्तियां पेंडिंग रहेगी, हमारे युवा कैसे आगे बढ़ेंगे, बार बार उनके रिजल्ट रद्द होंगे, तो ये बिल्कुल हमारे राज्य हित में नहीं है। इसलिए मैं सरकार से ये आग्रह करती हूँ कि जो भी उचित एक्शन हो, उचित कार्रवाई वो करे इस पे, और ताकि कोई भी नियुक्ति पेंडिंग नहीं रहे, इस पे जो रास्ता निकाल सकते हैं निकाले। एक सप्ताह में साहिबगंज में दूसरा मामला, दुष्कर्म का भी मामला सामने आया। देखिए, ऐसे लोग हमारे समाज में रहने लायक नहीं है। जो इस तरह का घटना है ये बहुत ही निंदनीय है, वो सामाजिक चीजों को नहीं ये करता है, दर्शाता है, और इस तरह का घटना झिंझोर देने वाला घटना है। हम देश में भी देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं बहुत ही अलग अलग राज्य से, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है कि इस तरह का घटना हो रहा है, तो इस पे अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है। देखिए, हमारा काम है मांग रखना, ये भी हमारा अधिकार है यहाँ पे मांग रखना। विधानसभा हमारे लिए मंदिर के समान है, हमारे लोकतंत्र करेंगे कि ये चीज हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे हम रख सके, ताकि इन सारी चीजों को संज्ञान में लेके जल्दी इस पे कार्रवाई हो। बिल्कुल, इस नियोजन नीति जो भी रद्द हुआ है, इसमें बहुत सारी विसंगतियों को सरकार ने दूर करने का कोशिश किया है, बहुत मेहनत की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि रद्द हो गया। ये हमारे युवाओं के लिए अच्छा संदेश नहीं है, और हमारे राज्य में युवा है, उनका रिजल्ट बार बार रद्द हो रहा है, ये हमारे राज्य हित के विरुद्ध है। इसलिए जो भी आवश्यक कार्रवाई तुरंत सरकार करे, और नियुक्ति पेंडिंग नहीं रहे, नियुक्तियों को जल्दी से अविलंब इस पे कोई भी रास्ता निकाल के नियुक्ति को करने का काम करे।